और इशारा कर रही हूँ दादाजी को, गीत पर ध्यान दीजिएगा, कहना है क्या? गीत बहुत सुंदर था, साधारण सी धुन, सुनिएगा गीत पूरा। ढोलक बजाते हो बेटा, गीत कह रहा है क्या? मैनू इश्क दा लग यारो, मैनू इश्क दा लग यारो, मेरे बच्चे भी नहीं हो और ये 21 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है बड़े भैया सम्मान्य श्री मयंक वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद है, लिख रहे हैं जय माता दी। भैया आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 11 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है भैया राजकुमार वर्मा उर्फ अतुल वर्मा, आप दोनों की ओर से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों के लिए। सुनिएगा लेकिन दादाजी गीत पर गौर करिएगा, चूंकि ये नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो अपने यहाँ भारत वर्ष में एक वर्ष में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रियां मैं बता रही हूँ। सुनिएगा, शारदीय नवरात्रि और वासंती नवरात्रि। शारदीय यानी कि जो अभी चल रही है, और वासंती नवरात्रि जो चैत के महीने में मनाई जाती है। सुनिएगा, ये क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है, कहना है सुनिएगा। कि मन हर साया है, दादाजी एक बार जब पृथ्वी पर अकाल पड़ गया तो सभी दानव मानव इस महामाया के चरणों में जाके निवेदन करने लगे, विनय करने लगे मैया से कि माँ कृपा कीजिए। जब निवेदन किया मैया रानी से तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ निवेदन स्वीकार ना करे। देखेगा माँ ने निवेदन स्वीकार किया तो हुआ क्या, कहना है क्या? कि मन हर साया है और सबको हंसाया है। कैसे कैसे? कि 9 दिन नैनों से मैया ने जल बरसाया है। मैया रानी ने 9 दिन नैनों से जल की बारिश
बारिश की, तब जाके इस पृथ्वी पर पानी आया। कि मन हर्षाया है और सबको हंसाया है, तो नौ दिन नैनों से मैया ने जल बरसाया है। और जब जल बरसाया है ना, क्या मां साया है, मां साया है, हर्ष दर्शाया है, और तो माने करुणा कर हर्ष दर्शाया है। तब से तभी से ये शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है जो अभी चल रही है। कहना है क्या कि माने कैसा किया है चमत्कार, कैसा किया है चमत्कार, हुआ प्रारंभ कल से अब दूसरा मंत्र सुनिएगा दादाजी। वासंती नवरात्रि कब से मनाई जाती है? कहना है क्या, एक बार माँ सीता श्री गुरुवर वाल्मीकि जी से निवेदन करने लगी, कृष्णवर मुझे अपने प्रभु के दर्शन की लालसा है, मुझे उनसे मिलन की आशा है, मैं चाहती हूँ कि आशा ये मेरी पूर्ण हो जाए। जय हो। जैसे ही उन्होंने ऋषिवर से निवेदन किया, वाल्मीकि ऋषिवर जी कहने लगे कि अगर तुम्हें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं तो तुम्हें एक व्रत करना होगा, जो व्रत होगा 9 दिनों का, और 9 दिनों का वो व्रत करोगी तुम तभी तुम्हें अपने प्रभु के दर्शन होंगे, तो देखेगा। और करना क्या होगा उस व्रत में? कहने लगे वाल्मीकि जी कि हर्षित हुआ है वरदान मिला और प्रभु से मिला भी, सुनिएगा, प्रभु के दर्शन भी हुए, तो कहना पड़ा क्या कि हर सिद्धि हुआ है मन, मन का खिला चमक, तो 9 दिन बढ़ा के 9-9 नित नौ अर्पित किए सुमन। माँ सीता ने माँ की पूजा की।
सवाल में किसी ने बताया था कि तुम्हें 9 दिनों का व्रत करना है। 9 दिनों में माँ को हर दिन पहले दिन 9 फूल चढ़ाने होंगे, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27। जैसे उस व्रत के दिन बढ़ेंगे वैसे ही फूलों की गिनती भी बढ़ेगी। क्या बात है, सुनिएगा। और जब माँ सीता ने ऐसा किया तो क्या हुआ, कहना क्या कि 9 दिन बढ़ा के 9 9 9 दिनों अर्पित किए तो कहना है दामन भर गया, इसलिए मिले है रघुराई, मिले है रघुराई, बताते जाइए पुरस्कार जो भी देना है आपको, जो भी आशीर्वाद स्वरूप राशि देनी है पीछे बताते जाइए भैया। और ये 21 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद चाचा जी की ओर से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, कहना है क्या, कहने लगी माँ जानकी क्या। और जब ऐसा हुआ माँ जानकी का मन खिल गया तो देखिएगा कहना है क्या। माँ ने माँ पे किया है उपकार, माँ ने माँ पे किया है उपकार, हुआ प्रारंभ तब से पहले बताया कि माँ ने कैसा किया है चमत्कार, हुआ प्रारंभ तब से त्योहार, ये शारदीय नवरात्रि, और माँ ने माँ पे किया है उपकार तो हुआ प्रारंभ तब से ये त्योहार, ये वासंती नवरात्रि तब से शुरू हुई है। श्री का कहना है कि माँ ने माँ पे किया है और ये 2 नवरात्रियां मैंने बताई हैं अपने गीत में, शारदीय नवरात्रि एवं वासंती नवरात्रि। चूंकि ये है कि 1 वर्ष में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जो 2 गुप्त नवरात्रियां हैं वो हमारे दादाजी जवाब में लेकर आएंगे, बिल्कुल ऐसी मुझे आशा है। और जो अंतिम बंद मैं गाना चाह रही हूँ वो मैं सिर्फ जो हमारा जन समुदाय बैठा है आप सभी के लिए, और ये मैं अपने लिए गा रही हूँ, माता रानी के चरणों में निवेदन है, सुनिएगा कहना है क्या। जो इनको भ्राता है की
यही महामाया जन्म देती है, यही दुष्टों का संहार करती है, यही पूरे संसार को, पूरे संसार का पालन करती है। तो लाइन है और दो लाइनों में कहना है माँ से माँ के दीपक इनके करो जय जयकार, इस महामाया की के दीपक इनके करो जय जयकार, क्योंकि जग में साचा है इनका दरबार, क्योंकि निवेदन करना चाहूंगी, कहना है कि दोनों हाथ ऊपर करके सभी मिल करके बोलो जय जयकार, ये बात बोले जगत जननी महामाया की। बढ़िया गीत गाया कंचन जी ने, वाह। मैनो इश्कदा लगिया रे मेरे बचने की नहीं उम्मीद, आदरणीय कमलेश्वरी जी भगवान आपको शतायु बना दे, लेकिन जब आपको सुनिएगा शुरू कब से हुआ ये त्योहार, आदरणीय दीपक जी और यहाँ कुछ जन समुदाय, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ कि माता नौ दिन रोई, कब से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया। दीपक भैया ये मेरे गले नहीं उतर रहा ना, बस यही तो गड़बड़ हो गया, मेरे गले नहीं उतर रहा ना। कहेंगे क्यों, क्यों आप कहते माता रानी शताक्षी माता है, नौ दिन तक रोती रही है, जब एक ही माता शताक्षी नौ दिन रोई तो ये नौ रूप कैसे पैदा हो गए। मैं आप सभी विचार करने के लिए आपको मदद करता हूं आदरणीय दीपक भैया जी, अगर एक ही माता नौ दिन रोई है तब से त्योहार शुरू हुआ, प्रथम शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटित कुष्मांडित चतुर्थकम पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम नवम शुद्धदात्री से नव दुर्गा प्रकीर्ता, ये नौ रूप क्यों पैदा हो गए, कैसे, ये सोचने का विषय है। दीपक भैया जो लोग ये कहते हैं हाँ कारण तो है, उसका कारण है नौ दिन का, लेकिन यहां से त्योहार हुआ शुरू ये सत्य नहीं है, ये गलत है। सुनिए मैं बताता, चार नवरात्रि हैं,
अच्छा बिटिया ने कहा कि दो को मैं बता रही हूँ, दो को दादा बताएंगे। बिटिया मैं तुम्हारी जानकारी के बता दूं, दो नवरात्रियां प्रकट है और दो रात्रियां गुप्त है, और जो गुप्त है उसका कोई रहस्य ही प्रकट नहीं है। तो मैं क्या, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं, जो गुप्त है उसको कैसे बता देगा, नहीं बता सकता ना। लेकिन जो आपने कहा यहां से शुरू हुआ, मैं बता रहा हूं कि त्योहार कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले त्योहार के रूप में आखिर नवरात्रि में नौ देवियों का पूजन किसने किया, सुनिएगा। ये बहुत बढ़िया, कि आप ज्ञानी जन से शुरू है त्योहार, जिसको मनाने लगा है संसार, ये कहां से शुरू है त्योहार। सीता का हरण हो गया, आदरणीय यहाँ के उपस्थित जनसा जन विद्वान जनमानस को भी है प्रकट कर रहा हूँ। अगर दीपक जी, कमलेश्वरी जी कहीं लगे कि दादा आपकी बात सत्य नहीं है, तो मुझको बिल्कुल निसंकोच बताना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां से पढ़ा है। सीता का हरण हुआ, आखिर कैसे सीता को पाया जाए। चिंतित थे जब चिंतित थे श्री राम, मन को नहीं विराम, जब तक सीता मिले नहीं पाऊंगा आराम। विधा आपने जरूर बांधी थी उसमें, मन 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 उस विधा को मैं लगा रहा हूँ। चिंतित बैठे वो नैना अभिराम, जब तक सीता मिले नहीं मुझको नहीं है आराम। चलाए की पूजन किया जाए, स्थापना की लिंग स्थापना, लेकिन कहा जब तक शक्ति पूजा नहीं की जाएगी राम है, तब तक तुम्हें शक्ति प्राप्त नहीं होगी। राम ने नाद किया पूजन है, क्या बात है, कि राम ने नाद किया पूजन है और किया नावेद, तब
से एक ग्रंथ निकला जिसको कहते व्रत पर्व उत्सव अंक, ये है उसमें पढ़िएगा सबसे पहले पूजन किया भगवान राम ने, वहां से ही त्योहार का प्रारंभ हुआ। नौ दिन पूजन किया और किया दसवीं को भैया दीपक जी नोट करना इसको, हुआ दसवीं को हर्ष अपा शुरू तब से हुआ ये और वो नवरात्रि कहलाई शारदीय नवरात्रि। आपने चार नवरात्रि की जिक्र किया है, शारदीय और बासंती दो नाम छोड़ दिए, तप्ता और शाकंभरी नवरात्रि। सुनिएगा, वो प्रकट नहीं है इसलिए समाज में आई नहीं, दूसरी नवरात्रि वासंती नवरात्रि, उसका प्रारंभ कहां से हुआ सुनिएगा। आदरणीय जनसंदाय नीरज जी चैत्र के महीने में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसका नाम है बासंतीय नवरात्रि। राम ने नवरात्रि का पूजन किया, नौ देवियों का पूजन किया, प्रथम शैलपुत्र द्वितीय ब्रह्मचारिणी सीता माता ने अनुकरण किया, जब अयोध्या आ गई कहा हे प्रभु आपने जिन देवियों का पूजन किया है मैंने सुना है कि देवियों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, मैं नौ दिन व्रत रह करके उन्हें देवियों का व्रत रखते हुए प्रथम शैल पुत्र द्वितीय ब्रह्मचारिणी साथ ही साथ मैं नौ कुमारी कन्याओं का पूजन भी करना चाहती हूँ, कहा करिए। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा, उन्होंने कहा सुनिए एक वर्ष की कन्या पूजन के योग्य नहीं होती है। क्या बात, एक वर्ष तक की कन्या पूजन के योग्य नहीं होती और 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाली कन्या भी नवरात्रि में पूजन के योग्य नहीं है। और उन्होंने नवरात्रि में पूजन किया, शिया मान किया पूजन, शिया मान किया पूजन हर सिद्ध है जंगल, हुआ अयोध्या में देखो सुंदर आयोजन। पहले दिन जिस कन्या को पूजा गया उसको कहा गया कुमारी, दूसरे दिन जिसको पूजा गया उसका नाम पड़ा त्रिमूर्ति, तीसरे दिन कल्याणी, चौथे दिन रोहिणी, पांचवे दिन कालिका और छठवें दिन चंडिका, सातवें दिन सांभवी, आठवें दिन दुर्गा और नौवें दिन सुभद्रा। लेकिन ये 2 वर्ष से हुआ, 2 वर्ष की कन्या पहले दिन, 3 वर्ष की कन्या दूसरे दिन, एक एक वर्ष बढ़ा करके। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
सता है जंगल पूरा अयोध्या में देखो ये सुंदर अयोध्या किया पूजन करके है शोर से चार द्वारा है ना किया पूजन है करके उपचार शुरू तब से हुआ राम की पूजा से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हुआ और सीता की पूजा से वासंतीय नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। जो मैंने पढ़ा देखते हैं आप संतुष्ट हैं कि नहीं है।